चार एपिसोड वाली एक ऐसी वेब सीरीज, चार एक्टर की सैलाब में डूबा नेटफ्लिक्स, रोंगटे खड़े कर रही है 40 साल पुरानी कहानी। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द रेलवे मैन की। पिछले 2-3 सालों में ओटीटी पर वेब सीरीज की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन हमें एक से बढ़कर एक नई नई वेब सीरीज देखने को मिल रही है। तो आज मैं जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहा हूँ वो नेटफ्लिक्स पर बेहद पसंद की जा रही है, जिसका नाम द रेलवे मैन है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आज से 40 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में साल 1984 में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे कईयों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। इस भोपाल ट्रेजेडी पर वैसे तो कई सारी फिल्में डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी वेब सीरीज बनी है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। पिछले साल 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई वेब सीरीज द रेलवे मैन अब तक लोगों के दिल पर राज कर रही है। दर्शकों को यह वेब सीरीज बहुत पसंद आ रही है। साथ ही में इसमें भोपाल ट्रेजेडी को इतनी बारीकियों से दिखाया गया है कि लोगों के रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस ट्रेजेडी के फुटेज भी इतने नहीं थे जिसे मेकर्स अपनी सीरीज में इस्तेमाल कर सके, इसी वजह से उन्हें सीन को क्रिएट करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से भोपाल ट्रेजेडी के दृश्यों को सीरीज में क्रिएट किया गया है वो वास्तव में दिल दहलाने वाले हैं। द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल रेलवे कर्मचारियों के बारे में है, जिन्होंने 1984 में भोपाल में रासायनिक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। इस सीरीज का निर्माण YRF एंटरटेनमेंट यशराज फिल्म का स्ट्रीमिंग डिवीजन द्वारा किया गया है, और इसमें आर माधवन, के मेनन, दिव्येंदु और बाबिल खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं सनी हिंदुजा और जूही चावला सहायक भूमिकाओं में नजर आ रही है। इस सीरीज में सिर्फ रेलवे वाले पार्ट को दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जब जहरीली गैस भोपाल में फैल रही थी तो उस वक्त रेलवे स्टेशन का नजारा क्या था और रेलवे कर्मचारी किस तरह अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाने में जुट रहे थे। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म को सिर्फ 4 एपिसोड में बनाया गया है, लेकिन इसका हर एक एपिसोड इतना जानदार है कि अगर आप पहला एपिसोड देखने बैठ गए तो बिना आखिरी वाले एपिसोड को देखे बिना उठ नहीं पाओगे। इस सीरीज के जरिए अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, और इन्होंने इस मौके को बर्बाद नहीं किया और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। तो अगर आप भी वेब सीरीज के शौकीन हैं तो द रेलवे मैन तो जरूर देखना। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।